जब आप ऑफिस में होते हैं और काम की जल्दी होती है तो स्पीड में काम करना लाजमी है। आप भी चाहते होंगे कि आप भी अपने ऑफिस में स्पीड में काम करें, मतलब तेजी से काम करें, टाइम बचाएं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सेल के कुछ टिप्स बताए थे जिससे आप बहुत तेजी के साथ में एक्सेल में काम कर सकते थे। इस वीडियो में बताने वाला हूं एमएस वर्ड के टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप एमएस वर्ड में काम करते हैं तो ये जो तरीके हैं ये आपके काम को और भी आसान बना सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉन्ट की। जो लोग हिंदी या इंग्लिश फॉन्ट में एमएस वर्ड में काम करते हैं उनको बार बार एमएस वर्ड खोलने के दौरान फॉन्ट को चेंज करना पड़ता है। लेकिन कैसा बढ़िया हो अगर आप एमएस वर्ड खोलें और जिस फॉन्ट में आप काम करते हैं वो फॉन्ट आपको वहां पे पहले से ही दिखाई दे या और सीधे आप टाइप करना शुरू कर दें। सो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है फॉन्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको एरो दिखाई देगा एक छोटा सा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो फॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से हम वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम काम करना चाहते हैं। सो यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे और उस फॉन्ट तक पहुँच जाएंगे या सीधे सीधे आप हिंदी या इंग्लिश के जो डिवलेस फॉन्ट आपने लगा रखा हो उसका पहला वर्ड अगर आप टाइप करेंगे तो वो फॉन्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप चाहते हैं कि भाई फॉन्ट बोल्ड भी हो जाए या टैलिक हो, अंडरलाइन हो, जैसे भी आप चाहते हो वो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप फॉन्ट साइज़ भी यहाँ से ले सकते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में नॉर्मली मैं 16 पे काम करता हूँ तो 16 को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आपको नमूना बतौर वो फॉन्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूनिकोड फॉन्ट और ये दिखाई दे रहा है ट्रू टाइप फॉन्ट जो जिसमें मैं डिवलेस में काम करने वाला हूँ। इसको यहाँ से आपको सेट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि भाई ये जो आप फॉन्ट सेट कर रहे हैं ये इसी डॉक्यूमेंट के लिए करना चाहते हैं कि भाई ये नॉर्मल टेम्पलेट जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करें तो सभी पे ये फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई दे, जो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप फॉन्ट लेना चाहते हैं। सो यहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई सभी पे दिखाई दे, इसी पे नहीं। सो यहाँ से जैसे मैं ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा या टैप करूँगा और ओके करूँगा तो होगा क्या कि ये जो फॉन्ट है वो परमानेंटली मैं कोई भी फाइल बनाऊंगा, कभी भी मैं कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो दिखाई देगा। एक बार चलिए क्लोज करके दोबारा से एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई भी एक फाइल टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एन से जब मैं नया डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये फॉन्ट बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये हो गया पहला तरीका तेजी से आप कैसे फॉन्ट में उसी फॉन्ट में काम कर सकते हैं। दोस्तों अब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं हमारे साथ। आपको जाना है हमारी वेबसाइट procomputercourse.com पर और यहाँ पर आपको कोर्स वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेंगे डेटा एंट्री, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली जैसे कोर्सेज जिन्हें आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर से कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको पावरफुल वीडियो ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम की एक्सेस मिलने वाली है, लाइफ टाइम का अपडेट मिलने वाला है और साथ में जिन वीडियोज के साथ में जरूरी है उनके साथ में हमने प्रैक्टिस फाइल भी दी है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो जल्दी से लॉग इन कीजिए procomputercourse.com पर। दूसरा तरीका यह है कि एमएस वर्ड में जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अक्सर करके टेढ़ी आती है। अब लाइन ड्रॉ कहाँ से करते हैं, हम इंसर्ट पे जाते हैं, शेप पे जाते हैं और यहाँ पे जो ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनके थ्रू हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये लाइन मैंने ले ली तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि बहुत ही आपको बहुत ज़्यादा सदा हुआ हाथ करना लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप सीधी लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। सिंपल तरीका है, आप इसको अगर सीधे ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है। तो शेप पे जाना है, कोई भी लाइन जो भी आप लाइन लेना चाहते हैं तो मानिए ये मैं एरो ले लेता हूं और शिफ्ट को प्रेस कर लेना है। जैसे आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये किसी भी एक सीधी रेखा में आप इसको बड़े आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर एक खास एंगल चाहते हैं यहाँ पे तो आप एंगल पे भी उसको ले जा सकते हैं। अगर सीधा लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन आप शिफ्ट प्रेस करने के बाद में ड्रॉ कर पाएंगे। लाइन के कलर वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं, मोटाई अगर आपको बदलनी है तो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन लाइन सीधी ड्रॉ आप तभी कर पाएंगे जब आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे। सो अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप्स की तरफ। सीधी लाइन ड्रॉ करना तो आप सीख गए हैं लेकिन लाइन ड्रॉ करने के कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। आप विदाउट डिज़ाइन टैब पे जाए, विदाउट इंसर्ट टैब पे जाए, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड से आपको सिंपली जो आपका न्यूमेरिकल कीपैड होता है वहाँ उसके ऊपर एक माइनस का बटन दिखता है। माइनस के बटन को 3 बार आपको इस तरह से
प्रेस करना है और एंटर कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, लाइन ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे फॉन्ट हिंदी है तो आप इंग्लिश ज़रूर ले लीजिएगा, कोई भी इंग्लिश फॉन्ट ले लीजिएगा। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ फॉन्ट हों जो हिंदी में काम ना करते हों, तो इंग्लिश फॉन्ट लगा लीजिएगा अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको करना क्या है, आप पहली लाइन तो हमारी ड्रॉ हो गई, अब आपको थोड़ी सी मोटी लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप शिफ्ट के साथ में यहाँ पे आपको एक अंडर स्कोर का बटन दिखाई देगा, अंडर स्कोर को आप प्रेस करेंगे तो ये लाइन जो होती है वो बॉटम पे आती है, और जैसे ही तीन बार प्रेस करके आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब देखिए एक मैजिक और मैं आपको दिखाता हूँ, हैश की के यूज से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में आपको तीन बार हैश प्रेस करना है, और देखिए जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे कुछ डिजाइनर जो लाइन है वो ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप तीन बार स्टार को भी प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। अब देखिए जिगजैग लाइन अगर आपको प्रेस करनी है, जिगजैग लाइन अगर आपको लगानी है अपने डॉक्यूमेंट पे, तो तीन बार आपको टिल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और एंटर कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे जो जिगजैग वाली लाइन है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। सो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है कोई भी लाइन ड्रॉ करने का। अब मान लीजिए आप किसी को कुछ बता रहे हैं और आपको नॉर्मली अपने एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ इंसर्ट कराना है, रैंडमली कोई भी, मतलब कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, किसी को कुछ समझाना है, लेकिन आपके पास में कोई भी पैराग्राफ नहीं है और आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ आ जाए, मेरे पास कहीं से हो, या तो आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते होगे, आप कहीं से लेके आते होगे, लेकिन एमएस वर्ड में भी एक फार्मूला है जिसको लगाने के बाद में आप पैराग्राफ इंसर्ट करा सकते हैं। सो उसके लिए मैं इंग्लिश फॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ, ये इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी वालों के लिए नहीं है, हिंदी में ये पैराग्राफ टाइप नहीं होगा, इंग्लिश में ही हो सकता है। सो अगर आप किसी को कुछ समझा रहे हैं तो वहाँ उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना है रेंड। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, सबसे पहले आपको वो नंबर डालना है जितने आपको पैराग्राफ चाहिए। सो यहाँ पर मुझे दो पैराग्राफ चाहिए, कितने लाइन वाले चाहिए, पांच लाइन वाले चाहिए, उसके बाद पांच मुझे टाइप करना है कॉमा लगा के, ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे औसत पांच लाइन वाले दो पैराग्राफ्स मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है हमने बड़ा ले रखा है, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, सो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो पैराग्राफ्स आ चुके हैं। तो अगर किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो इससे बेटर चीज़ कोई नहीं हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसके कुछ कलर्स वगैरह चेंज हुए हैं, अपर केस, लोअर केस, या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर लगी हुई हैं, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या फॉन्ट भी कोई दूसरा लगा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि भाई ये फॉन्ट सीधे सीधे मेरे सेकंड पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाए, सो ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए आपको सिंपल एक शब्द को सेलेक्ट करना है, उस शब्द को सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है और जिस भी पैराग्राफ की, जिस भी शब्द के साथ आप ये पूरी फॉर्मेटिंग चाहते हैं कि पूरी फॉर्मेटिंग कन्वर्ट हो जाए, उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से लेके ये जो एक लाइन है, एक जो सेंटेंस है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देखेंगे कि जो फॉन्ट कलर है, जो फॉन्ट स्टाइल है, वो सब कुछ एक साथ में वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में एक साथ काम करते हैं, अब बार बार फॉन्ट चेंज करने में आपको बहुत परेशानी होती होगी, अब ये जो दिक्कत है इसका समाधान कैसे हो, चलिए जान लेते हैं। अब मुझे यहाँ इंग्लिश में माई बी गेट लिखना है, तो उसके लिए मुझे हिंदी के बजाय यहाँ पर कोई भी एक इंग्लिश फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर माई बिग गेट लिखना होगा, और उसके बाद अगर मुझे फिर से यहाँ पर हिंदी में टाइप करना है तो दोबारा जाना होगा फॉन्ट के ऑप्शन पर, फिर से मुझे हिंदी फॉन्ट लगाना होगा और दोबारा यहाँ पर लिखना होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन ट्रिक, ठीक है। और अगर दोबारा से मुझे यहाँ पर फिर से इंग्लिश लेना है तो फिर से मुझे फॉन्ट चेंज करना होगा। ये समस्या एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ में आती है कि जहां पर उनको मिक्स टाइपिंग करनी है तो वो बार बार जो फॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ होती है वो बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक बेहतरीन ट्रिक जो आपके बहुत काम आएगी। जो फॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ है उसको तो आप भूल ही जाएंगे, इसी ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आपको ये जो सेटिंग है ये केवल एक ही बार करनी है, आपको बार बार सेटिंग नहीं करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, जाते हैं ऑफिस बटन पर और यहाँ पर वर्ड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको जो पॉपुलर टैब है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो डेवलपर टैब इन द रिविन, इस पर टिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। सिंपल इतना काम करना है। इसके बाद जाना है आपको डेवलपर टैब पर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैक्रोस का ऑप्शन।
तो ये जो मैक्रोस है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में एक वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, वो भी बहुत काम का है। अब सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से आप इस पैराग्राफ को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है रिकॉर्ड मैक्रोस के बटन पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा होगा असाइन मैक्रो टू। तो आपको बटन पर नहीं जाना है, आपको जाना है कीबोर्ड पर, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा कस्टमाइज कीबोर्ड का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको सिंपल एक शॉर्टकट की बनानी है अपना फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक सिंपल शॉर्टकट की बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ में आपके नम लॉक का जो वन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आ गया कंट्रोल प्लस नम वन, इसको यहाँ से असाइन कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके माउस के कर्सर पर पुराने जमाने की जो टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट होती थी उसका आइकन आ जाएगा, इसका मतलब अब जो आपका मैक्रोस है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर आपको होम बटन पर जाना है और सिंपल कुछ नहीं करना, अगर इंग्लिश फॉन्ट लगा है तो यहाँ से हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंदी का जो साइज़ 16 है और इंग्लिश का जो साइज़ 12 है लगभग बराबर दिखाई देते हैं, तो अगर आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो साइज़ है उसको 16 सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब बस कुछ मत करिए, अब दोबारा से डेवलपर टैब पर जाइए और मैक्रोस को स्टॉप कर दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने जो कंट्रोल वन कमांड है वो सेव कर दी है हिंदी फॉन्ट के लिए, साइज़ 16 के लिए। अब इसी तरीके से आपको इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, तो दोबारा से रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर आपको अपने आप जो मैक्रो 2 है वो रिकॉर्डेड दिख जाएगा। यहाँ से कीबोर्ड को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए दूसरी शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल 2 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी असाइन कर देते हैं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, दोबारा से जो मैक्रोज है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। बस आप होम बटन पर जाइए और यहाँ से हिंदी के बजाय इंग्लिश फॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी का 16 और इंग्लिश का 12 आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम इसका साइज़ जो है वो कम कर लेते हैं ताकि बाद में आपको फॉन्ट का साइज़ जो है छोटा बड़ा ना करना पड़े। बस सिंपल इतना काम करना है और उसके बाद डेवलपर टैब पर जाकर यहाँ से इस मैक्रोस को स्टॉप कर देता है। अब हुआ क्या कि आपके जो दोनों मैक्रोस हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं, आपके कीबोर्ड के बटन पर सेट हो गए हैं। अब आपको अगर हिंदी फॉन्ट को सेलेक्ट करना है तो सिंपल आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से हिंदी के लिए कंट्रोल वन। तो आप देखेंगे ऊपर, जैसे ही मैंने कंट्रोल वन को प्रेस किया तो आप देखेंगे देवलेस 10 और यहाँ पर आप देखेंगे कि 16 जो फॉन्ट है वो आ गया है। इसके बाद अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना हो तो कंट्रोल 2 को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे एरियल का 12 फॉन्ट आ गया है। टाइप करके देख लेते हैं, देरी क्यों करते हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल 1 को प्रेस करते हैं, आपका स्वागत है, और कंट्रोल 2 माय बिग गाइड, इसके बाद कंट्रोल 1 स्मार्ट क्लास में। तो सिंपल आपको फॉन्ट चेंज करने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आपको दो शॉर्टकट्स बनाने हैं, मैक्रोस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि ये काम आपको बार बार नहीं करना है, सिंपल एक बार आपको ये काम करना है जिस भी कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, और कंप्यूटर खोल के बस केवल शॉर्टकट से ही ये फॉन्ट चेंज कर लेना है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपके बहुत काम आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा जो टिप्स है आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।